हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक क्रैकेट चैनल। और आज आपकी मोस्ट वांटेड वीडियोस जो है मैं आपके साथ में शेयर कर ली हूँ। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे से इस वीडियो के लिए, तो यहाँ पे हम जो है पेपर वन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ईजिएस्ट वे में यहाँ पे मैं बताऊँगी कि क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है उसमें क्या क्या डिफरेंस है, मेजर क्या क्या टॉपिक्स जो है वो किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो एग्जाम्पल्स के साथ में मैं यहाँ पे इस वीडियो में आज आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ पेपर वन के लिए, और ये बेसिकली रिसर्च एप्टीट्यूड का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव रिसर्च की, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च देखिए, बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च कब की जाती है, जब भी हमें कोई भी डेटा जो न्यूमेरिकल्स फॉर्म में कलेक्ट करना होता है तब हम जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं। सबसे पहले अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, तो एग्जांपल देखिए, सपोज अगर जैसे कोविड का ये टाइम चल रहा है और यहाँ पे हमको कुछ सिम्टम्स हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने ये निकाला है कि अगर हमको जो है फ्लू है और इस तरीके से फीवर आ रहा है, तो इस तरीके से हम एक जनरल सिनेरियो निकाल सकते हैं कि हाँ हमें फ्लू या वायरल हो गया है, बट हम कोविड के केस में इसमें जनरल स्पेसिफाई नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ जो है डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि जो टेम्परेचर है वो हमारा 5 डेज से ज़्यादा जो है वो किस किस टाइम पे हमारा जो इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, और हमारे पास जो है और कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो कोविड में होते हैं, तो हम एक जनरल कंक्लूजन जो है वो मान के चलेंगे। अब हमें क्या करना है, हम किसी भी आउटकम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये कोविड हो सकता है या फिर एक नॉर्मल सा फीवर है। तो जब भी हम इस तरीके का काम करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमने वहाँ पे एक क्वांटिटेटिव रिसर्च की है। दैट मीन्स जब भी हम किसी जनरल कंक्लूजन पे को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे देते हैं तो हम बोल देते हैं कि यहाँ पे हमने जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च की है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो की जाती है वो बेसिकली जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है वो क्वांटिटेटिव फॉर्म से या न्यूमेरिकल्स फॉर्म में होता है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जितने भी डेटाज हैं वो स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी हम आउटकम निकाल रहे हैं तो वो जो है किसी भी मतलब कोई भी एक नॉर्मल सी बीमारी हो, नहीं, हम सिर्फ कोविड-19 के केस में जो है डेटा निकाल रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड हम जो है डेटा को कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज होगी इसकी स्ट्रक्चर्स होना चाहिए और जितना भी मेथड है वो स्टैटिस्टिकल होना चाहिए ताकि हम जो है अपनी जो रिसर्च को एक वे दे सकें। ये जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है ये ग्राउंडेड थ्योरी मेथड्स के थ्रू होती है। डेटा कलेक्शन मतलब हम एक जनरल स्पेसिफिक अप्रोच को फाइंड आउट करते हैं, ना कि हम जो है किसी भी स्पेसिफिक रिजल्ट के लिए हम डेटा को निकालते हैं। तो हमारे पास जो जनरल कंक्लूजन होगा वो बहुत ही लार्ज वे में होगा, बट जब हम उसको एक स्पेसिफिक आउटकम दे देंगे तो वो हमारा जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल अगर हम बात करें तो ये हमारा होता है कॉस्ट इफेक्टिव या फ्लेक्सिबल। अगर हम सर्वे की बात करते हैं तो सर्वे में देखिए, सर्वे में आपका बहुत सारे जो रिजल्ट्स निकाले जाते हैं वो या तो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, और ये रिसर्चर्स को एक मीडियम दे देते हैं कि जितने भी जो लार्ज सैंपल साइज उसने बनाया है वो एक डेटा कलेक्टेड फॉर्म में आ जाए। अब हम दूसरी रिसर्च की बात करते हैं जो कि बहुत पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, इसका कंपैरिजन भी आता है, क्वालिटेटिव रिसर्च। तो जब भी क्वालिटेटिव रिसर्च की बात आए तो आप हमेशा ये याद रखिएगा, ऐसा क्यों, मतलब जब भी क्वेश्चन मार्क आ जाए तब भी हम वहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च एक तरीके से ये भी एक मैथड है जो कि डिज़ाइन किया जाता है नॉन न्यूमेरिकल डेटा के लिए। अब हम नॉन न्यूमेरिकल डेटा मतलब क्या है कि हमारे पास जो डेटा है वो उसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटलेस डेटा है, राइट। अगर हम किसी भी डेटा कलेक्शंस को किसी भी टॉपिक को जैसे मोर सिचुएटेड करते हैं तो वो हमारे पास कोई भी लिमिट में नहीं आ रहा, वो अनलिमिटेड डेटा हमारे पास आ रहा है। अब वो डेटा जो है वो उसके एट्रीब्यूट्स क्या हो जाएंगे, उसके जो इफेक्ट्स होंगे वो क्या होंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है हम ग्राफ के थ्रू या चार्ट के थ्रू हम क्वालिटेटिव में करते हैं। अब बात करते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो बेसिकली इन्वॉल्व करती है फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशंस पे। अब ये फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं, जस्ट लाइक कभी भी इंटरव्यू या कहीं भी ग्रुप वगैरह डिस्कशन अगर हो रहे हैं तो उसमें अगर हम इस तरीके की अप्रोच लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि इंटरव्यूअर जो है स्पेसिफिक चीज़ें स्किल्स जज करता है, जो भी इंटरव्यूअर है तो क्या करेगा उसके
बोलने का स्टाइल, खड़े होने का, किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने का स्टाइल, तो ये सारी चीज़ें हमने नोटिस की हैं और फिर हम उसी पे आगे काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च में की जाती हैं। और हाँ, एक चीज़ और है कि ये ग्रुप्स को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ की जाती है, कि जब भी हमारे पास मेथड्स होंगे तो हम उसके थ्रू कैसे कैसे ग्रुप को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम एनालाइज करेंगे। आप बात करते हैं कि हमें इन दोनों में से कब यूज़ करना चाहिए, कब हमें जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज़ करना चाहिए और कब हमें जो है क्वालिटेटिव रिसर्च यूज़ करना चाहिए। इट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू, कि जितने भी रिसर्च करने जा रहे हैं एक्सपीरियंट्स, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगभग लगभग हर बार NTA NET के पेपर में आता ही आता है। तो सबसे पहले जो है वो है हम कब यूज़ करें, कब क्वांटिटेटिव यूज़ करें, कब हम क्वालिटेटिव यूज़ करें। तो सबसे पहले अगर आपको जिस हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना है, फॉर्मुलेट मतलब कि अगर हमें उस हाइपोथेसिस की डिटेल एनालिसिस करनी है, राइट, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रॉब्लम डिस्कस करनी पड़ेगी कि व्हाट इज द एग्जैक्टली प्रॉब्लम, एंड उसके बाद जो है अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती है। अब अपॉर्चुनिटीज क्या आएंगी तो हमें उसको प्रूफ करना पड़ेगा, और उसको प्रूफ करेंगे हम न्यूमेरिकल डेटा में, जहां कि हम यूज करेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च। गॉट इट माय पॉइंट फ्रेंड्स? ठीक है, जब भी न्यूमेरिकल्स यूज करेंगे, कभी हम जनरल वे पे स्पेसिफिक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी पड़ेगी। सेकंड है वैलिडेटिंग योर हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस को वैलिडेट करना है, तो ये भी जेन्युइन फॉर्म में होगी, इसमें भी हम क्वांटिटेटिव रिसर्च ही करेंगे। अच्छे से समझ लीजिए इसको कैसे करते हैं, कि सबसे पहले अगर आपको कोई भी हाइपोथेसिस जो है वैलिडेट करनी है, तो उसके लिए आपको स्टैटिस्टिकल डेटा की यूज करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको कुछ ना कुछ परसेप्शन माइंड में रखना पड़ेगा कि एवरी हमारी जो अवर जनरल क्राइटेरिया है उसको हम कैसे फुलफिल कर रहे हैं। सपोज मैंने बोला कि दिस इमेज शोज द एप्पल एंड एक्चुअल में दिस इमेज शोज सम ऑरेंजेस, सो हाउ इट विल बी प्रूफ, सो वी कैन यूज सम स्पेसिफिक आउटकम फॉर दैट एंड वैलिडेट कि कौन कौन सी ऐसे फीचर्स है जो इन सेप्स को ऑरेंज बता रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको वैलिडेट करेंगे। फाइंडिंग द जनरल आंसर्स, अब इसके लिए हम क्या यूज करते हैं कि हम कोई भी आंसर, सपोज हमने ये अला आंसर प्रूफ कर दिया कि ये जो सेब है ये संतरा है, तो इसके फीचर्स क्या है और इसके फीचर्स क्या है, राइट, तो सम अदर फीचर्स के बेस पे हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो वी विल फोकस ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द दैट ग्रुप, राइट, सो वी विल क्रिएट सम सीरीज ऑफ मल्टीपल चॉइस फीचर्स फॉर दैट पर्पज, सो वी हैव टू यूज दैट दिस वन, ओके, सो वी हैव यूज ऑल द क्वांटिटेटिव रिसर्च एवरीवेयर, एंड आफ्टर दैट वी हैव यूज, फर्स्ट वी हैव टू यूज द क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड देन वाई इट इज यूज दैट वी हैव टू फॉर्मुलेट द क्वालिटेटिव रिसर्च। क्लियर माई पॉइंट? देन नेक्स्ट लास्ट है incorporating the human elements. So basically for this purpose we have used the qualitative research why it is used because we can use the final stage of the our product yeah our outcome when we have used the qualitative or non-numerical data for that purpose. Hope you guys understand well. If any question in your mind, so feel ask in the comment box. I will definitely help you. Thanks a lot and like, share, subscribe my channel. Thank you so much.